ईमानदारी में भाई तवज्जो हो, कान मेरी तरफ रखना, मेरी ईमान की दौलत नबी की रहनुमाई रहनुमाई में खुदा को पा लिया हमने बिश्त मुस्तफाई में शरीक रब नहीं कोई। तवज्जो, शरीक खुदा का कोई शरीक नहीं, शरीक रब नहीं कोई, न कोई सानी अहमद खुदा यक्ता खुदाई में मोहम्मद मुस्तफाई। रोशनी की जिसको भी महसूस होती है, जरूरत रोशनी की जिसको भी महसूस होती है, सितारे चांद सूरज उनके तले में चूम लेते हैं। मैं जब नामे मोहम्मद मुस्तफा कागज पे लिखता हूं, नगीने को सजा रखा है, अर्श के खुशनुमा जीने को सजा रखा है। कुछ भी कर सकते नहीं गम के ये जुगनू मेरा, मैंने इस दिल में मदीने को सजा Yeah.
पूछा कि कब किसने पढ़ी होगी, पता नहीं मेरे वालिद साहब के दौर की है या मेरे, कोई बात नहीं छोड़, मेरे वालिद साहब के दौर की है या फिर मेरे दादा के वक्त की है मुझे पता नहीं, लेकिन गिरा ऐसी है कि कभी भी पढ़ो तरोताजा है। और एक कमाल की बात देखिए ये है कि ये वो स्टेज है, ये वो स्टेज है जहाँ पहली मरतबा मुझे आफिफ जी ने याद किया, मेरे बुजुर्ग है, मैं बड़ी उनकी इज्जत करता हूँ और उस वक्त से मैं बहुत कद्र करता हूँ इनकी। ऐसे नया नया निकला था, पढ़ो जरूर पढ़ो जरूर पढ़ो जरूर, नया नया किसे था। और वैसे तो मैं मुझे गाते हुए इस वक्त मेरे ख्याल से 44 या 43 साल पूरे हो गए हैं, 52 साल की उम्र हो गई, शर्म है मेरे गरीब नवाज का। अब देखिए कि उस वक्त नया नया मेरा फ्रेंड में नाम निकला था, अब यहाँ बारिश का माहौल हो गया, प्रोग्राम भड़म भड़म हो गया था, अब मेरे दिल में थुपका हो गया यार पता नहीं यहाँ पेमेंट भी मिले या ना मिले। जबकि उसूल ये है कि कोई फनकार कहीं मकाम पे पहुंच जाता है तो वो अपने पेमेंट का हकदार हो जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि बहुत सी जगह ऐसी होती है कि वहाँ कुछ कम वक्त लोग होते हैं जो अपना काम दिखा देते हैं। तो मैं ये सोच रहा है यार पता नहीं क्या होगा, यहाँ प्रोग्राम तो हुआ नहीं, अब अल्लाह जाने यार पेमेंट का भी क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हाफिज साहब ने उससे कहा तुम पढ़ो दरूद ऐसे ही पढ़ दो और सलात सलाम पढ़ो। मैंने पढ़ो दरूद पढ़ा और सलाम पढ़ा और मुझे बड़ी इज्जत के साथ उन्होंने मेरा पेमेंट मुझको दे दिया। उस वक्त से मैं उनकी बड़ी कद्र करता हूँ, बड़ी कद्र करता हूँ। और बाखुदा यकीन कीजिए मैं हमेशा एक दिन छोड़ के प्रोग्राम करता हूँ, लेकिन ये उनकी मोहब्बत है, उनके कहने पर मैं 400 किलोमीटर से चल के आया, रात में गाया था और आज फिर, क्योंकि अभी थोड़ा घर वाले भी कहते भाई थोड़ा कंट्रोल करो इतना मत गाओ, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ उन्होंने मुझे याद किया। देखिए मैं वो बात रिपीट कर रहा हूँ कि जो मैं गिरा पढ़ रहा हूँ मेरे खुदा तेरे महबूब का जवाब नहीं, गिरा जो पढ़ रहा हूँ मुझे खुद पता नहीं कितनी पुरानी है किसने पढ़ी है, लेकिन दोस्तों पहली 4 मिसरे हमेशा आपने चांद से सुने हैं, चांद कादरी से सुने।
को से देखना फुटपाथ के गरीबों को, पूछना फिर ये गरीबी किधर से आई है।